आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काम पूरा हो जाने के बाद मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सीधे गांव के बस स्टॉप की तरफ चलता बना। चलते वक्त मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं एक सरकारी काम के चलते इस गांव में 2 दिन पहले आया था और आज मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपने घर शहर जा रहा हूँ। चलते चलते ठीक रात के 10:30 बजे मैं बस स्टॉप पर पहुँचा तो वहाँ दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। जहाँ तलक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तलक मुझे एक भी बस दिखाई नहीं पड़ी, जिस कारण मैं बस स्टॉप के इंक्वायरी रूम में गया तो वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी इंक्वायरी कंप्यूटर बंद ही कर रहा था, जिस पर मैंने उससे कहा, चाचा शहर जाने वाली बस कब मिलेगी अभी? जिस पर उस आदमी ने कहा, नहीं बाबू, सुबह 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया कि भला अब क्या करूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, अभी जाने का कोई साधन नहीं है, आप एक काम करिए, आज रात इस बगल वाले कमरे में रुक जाइए और सुबह 6 बजे वाली पहली बस से चले जाइएगा। उस आदमी की बात मुझे भी ठीक लगी क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था और इतनी रात गए वापस से दोबारा सारे सामानों को लेकर गांव जाना मुझे ठीक नहीं लगा, जिस कारण मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया। जिसके बाद उस आदमी ने बगल के रूम का दरवाज़ा खोल दिया तो उस रूम में बस एक बेंच के अलावा और कुछ भी नहीं था। खैर मुझे तो किसी तरह से रात पार करना था तो मेरा काम उस बेंच से ही चल जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ और उस बेंच पर बैठ गया, जिसके बाद वो आदमी जाते जाते बोला, बाबू आप पूरे बस स्टॉप पर अकेले हैं तो अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और हाँ थोड़ा संभल कर रहना, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी एक साइकिल लेकर अपने घर की ओर चलता बना, लिहाजा मैंने भी उस आदमी के बताए मुताबिक उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और वापस से बेंच पर जाकर बैठ गया। अब रात काफी हो चुकी थी जिस कारण नींद की वजह से मेरी पलकें भारी होने लगीं और मेरे बेंच पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी आंख कमरे के दरवाजे पर हो रही तेज दस्तक से खुली। उस आवाज को सुनकर मैं उठकर बेंच पर बैठ गया मगर वो दस्तक उसी तरह से बार बार दरवाजे पर होए जा रही थी। मगर अभी तो रात के 1 बज रहे हैं तो इतनी रात गए कौन होगा, बस तो सुबह 6 बजे की है। जिसके बाद मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है कोई मेरे जैसा ही मुसाफिर होगा। इतना बोलकर मैंने दरवाजा खोल दिया तो ठीक मेरे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने मुझे देखते हुए कहा, भाई साहब आपको शहर जाना है क्या? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो उस आदमी ने कहा, चलिए भाई साहब बस बाहर ही खड़ी है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उस इंक्वायरी वाले चाचा ने तो मुझे साफ साफ कहा था कि 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है, तो अभी रात के 1 बजे बस कहाँ से आ गया। इस बात को मैं अपने जहन में नहीं रख सका और उस आदमी से कह दिया तो उस आदमी ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, लगता है चाचा आपको बताना भूल गए इस बस के बारे में, आप चलिए ये बस आपको सुबह 5 बजे तक शहर उतार देगी। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, जाना तो मुझे था ही तो मैं अभी ही क्यों ना जाऊं। ये सोचकर
मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गया। फिर जब मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बाहर निकाला तो हाँ, मुझे एक बस खड़ी हुई दिखी। मैं उस आदमी के साथ चलकर बस में गया तो बस में मेरे अलावा मुझे और कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही बस भी चलने लगी। मैं बस में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए आधी रात के घने अंधेरे को अभी महसूस कर ही रहा था कि तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि मेरे बस में बैठते ही बस क्यों चल पड़ी? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर साजिश? बस में भी मेरे अलावा कोई नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, चाय, गरम चाय। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो ठीक बस के लास्ट वाली सीट के पास एक चाय वाला केतली में चाय लेकर खड़ा था। उस चाय वाले को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि चलो, इस बस में मैं अकेला नहीं हूँ। मगर अगले ही पल मैं थोड़ी सोच में पड़ गया कि आखिर ये चाय वाला बस में आया तो आया कब? जब बस चालू हुई तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो अचानक ही ये चाय वाला कहाँ से आ टपका? जिसके बाद वो चाय वाला चाय, गरम चाय बोलते हुए मेरी तरफ ही आने लगा। मगर एक बात और हैरान करने वाली थी कि उस पूरे बस में मैं अकेला ही मुसाफिर था, तो फिर वो चाय वाला क्यों हर खाली सीट पर जाकर चाय के लिए पूछ रहा था? अभी मैं बैठे बैठे ये सब देख ही रहा था कि तभी मेरे सामने वाली सीट से एक आवाज आई, भैया मुझे जरा चाय पिलाना यार। उस आवाज को सुनकर मेरे होश उड़ गए कि भला उस खाली सीट से आवाज कैसे आ रही है। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर शायद कोई भी कांप जाता। दरअसल जब उस चाय वाले ने अपनी केतली में से एक कप में चाय डालकर उस सीट की तरफ बढ़ाया तो उस सीट से एक जला हुआ हाथ निकला और उस हाथ ने चाय वाले से वो कप ले लिया। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा। तभी जब मैं ध्यान से उस चाय वाले की ओर देखा तो डर के मारे एक पल को बेहोशा होने लगा, क्योंकि जब मैंने ध्यान से उस चाय वाले को देखा तो उसका भी चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी चाय की केतली से चाय की जगह खून टपक रहा था। ये सब देखकर मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा और मेरे हाथ पैर फूल कर ठंडे होने लगे। इतने में ही बस में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उनका भी पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखकर मैं जोर जोर से बस रोकने के लिए चिल्लाने लगा, मगर मेरे चिल्लाने का उस बस ड्राइवर पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, जिस कारण मैं उठकर दौड़ता हुआ बस ड्राइवर के पास गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि ड्राइवर वाली सीट पर कोई ड्राइवर नहीं था बल्कि दो कटे हुए हाथ थे जो उस बस को चला रहे थे। वो हाथ जले हुए थे। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं शहर के रास्ते पर गिरा हुआ था और मुझे बहुत से लोगों ने घेर कर रखा था। उन लोगों को इस घटना के बारे में बताने पर पता चला, आज से कुछ साल पहले उस बस में किसी कारणवश आग लग जाने की वजह से बस में काफ़ी मुसाफिरों की मौत हो गई थी। तब से वो बस भूतिया हो गया है और हर रात 1 बजे वो बस चलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज से 10 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पहले मैं भूत प्रेत, काला जादू, डायन इन सब बातों को एक सिरे से ही नकार दिया करता था,
और मेरे सामने जो ये सब बातें करते थे उनका भी मैं काफी मजाक उड़ाया करता था। मगर मुझे कहां पता था कि इस घटना के बाद से मैं उन सब बातों का मजाक तो क्या, उन सब बातों को सुनते ही जोर जोर से कांपने लगूंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय मैं अपने गांव में ही रहा करता था और गांव से बाहर एक कारखाने में काम किया करता था। उस समय हमारा गांव काफी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण रात होते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा जाया करता था। उस समय गांव के काफी लोग खेती किया करते थे। मेरे भी पापा और बड़े भैया खेती किया करते थे, लेकिन मैं फैक्ट्री में काम करता था। मेरे घर से फैक्ट्री काफी दूर था, जिस कारण मुझे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। तो मैंने काफी मुश्किल से पैसे जमा करके एक बाइक खरीदा और उसी को लेकर फैक्ट्री आना जाना करने लगा। मैंने काफी मेहनत करके उस बाइक को लिया था, तो बाइक खरीदने के बाद मैं काफी खुश था। कारखाने में मेरी ड्यूटी सुबह के 11 बजे से रात के 9 बजे तक की होती थी। पहले घर से आने जाने में 1 घंटे का समय लगता था, मगर बाइक आ जाने के बाद वो 1 घंटा 20 मिनट में बदल गया। मतलब कि अब मुझे फैक्ट्री से घर आने जाने में 1 घंटे की जगह 20 मिनट ही लगते थे, तो इससे मेरा समय काफ़ी बच जाया करता था। खैर, एक बार फैक्ट्री में काफ़ी काम होने की वजह से मेरी छुट्टी 1 घंटे लेट हुई। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का, जिस कारण बाहर का माहौल एक वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहाँ खड़े खड़े और समय जाया ना करके अपनी बाइक पर बैठा और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी बाइक की हेडलाइट उस अंधेरे के आगे काफ़ी कम पड़ रही थी। ऊपर से काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिस कारण मुझे जितना भी दिख रहा था वो धुंधला धुंधला, साथ ही साथ सन्नाटे ने तो पूरे माहौल में इस कदर अपना डेरा जमाया हुआ था कि बीच बीच में आ रहे झींगुरों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा वीरान बना रही थी। मेरे फैक्ट्री से घर जाते वक्त एक छोटा सा जंगल पड़ता है। उस जंगल वाले रास्ते पर लोग रात तो दूर दिन के वक्त भी आने से कतराते हैं। उनका मानना है कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। खैर, कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं उसी जंगली रास्ते पर पहुँचा, तो वो जंगली रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान था। दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने इसका फ़ायदा उठाकर अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी बाइक झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में बंद पड़ गई। तो अचानक इस तरह बाइक को बंद होता देख मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर बाइक को हुआ तो हुआ क्या, जिसके बाद मैं बाइक स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करने लगा, मगर मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। अभी भी मेरा घर यहां से काफ़ी दूर था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाइक को धक्का देकर ले जा सकूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उस आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया कि भला इतनी रात गए इस जंगल वाले रास्ते पर कौन होगा। जिसके बाद मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो वो हंसने की आवाज़ आ तो आ कहाँ से रही है ये सोचकर। मगर इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद
जब मुझे वहां कोई नहीं दिखा तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर दोबारा से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। अभी मैं कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे एक बार फिर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन इस बार वो आवाज काफी तेज थी, मानो कोई मेरे आसपास ही हंस रहा हो। इस बार मैं ध्यान से उस आवाज को सुनकर उस आवाज की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो उस आवाज की ओर देखते ही मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि उस आवाज की ओर नजरें घुमाते ही मैंने देखा कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मेरे बगल के पेड़ के ऊपर से आ रही है और पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी शक्ल पूरी तरह से सफेद है और उस आदमी के सर के ऊपर दो सींग भी निकले हुए थे। साथ ही साथ उस आदमी के मुंह से खून टपक रहा था। ये नजारा देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है और शायद वो राक्षस अब मुझे मार डालेगा। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी वो राक्षस एकदम पेड़ के ऊपर से कूदकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तो उस राक्षस को मेरे करीब देखकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मैं समझ गया था कि यही मेरी आखिरी रात है और अब मैं शायद नहीं बचूंगा कि तभी उस राक्षस ने मुझे उठाकर धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। उसने मुझे इतनी तेज पटका था कि मुझे काफी तेज चोट आई, जिसके बाद उस राक्षस ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए जंगलों के अंदर ले जाने लगा। अपनी मौत को अपने सामने देखकर मैं तो कांप ही रहा था, मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने पैर को उस राक्षस के हाथ से छुड़ाने की काफी कोशिश करने लगा, लेकिन उस राक्षस की शक्ति के आगे मैं एक जिंदा लाश की तरह था। वो राक्षस मुझे घसीटता हुआ जंगल के काफी अंदर ले आया, जहां मेरे चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। अभी वो राक्षस मुझे मारने ही वाला था कि तभी मुझे एक हल्की रोशनी थोड़ी दूरी से मेरी तरफ आती दिखी और देखते ही देखते वो रोशनी मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर मेरी तरफ आ रहा है। तो उस आदमी के आते ही वो राक्षस मुझे वहीं छोड़कर जंगलों के अंदर भाग गया, जिसके बाद उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया। फिर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई तो वो आदमी मेरे साथ चलकर मेरी बाइक के पास आया और मेरी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तो उस आदमी के एक बार कोशिश करने पर ही मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर इतनी देर से बंद पड़ी मेरी बाइक इस आदमी के एक बार कोशिश करने पर ही कैसे स्टार्ट हो गई, और आखिर ये आदमी है कौन जिसे देखकर वो राक्षस एकदम से भाग गया। अभी मैं ये सवाल उस आदमी से पूछने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर गई। तो उस आदमी के पैरों को देखकर एक बार फिर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी के पैर उल्टे थे, यानी कि वो आदमी भी एक भूत था। जिसके बाद मैं फटाफट से बाइक पर बैठा और बाइक भगाता हुआ अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।